Since 2019 थाउजेंड अप्रैल शिफ्ट वन क्वेश्चन आपके सामने थंबनेल पे भी देखा है आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन ये है अंडर रूट ऑफ ए वाई वन इज इक्व टू पाई बाई थर्टी टू है वाई जीरो इजकस ज़ीरो दिया हुआ है हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है सो so, पहली बात तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो चलिए शुरू करते हैं डी ओ वी डी एक्स हमें दिख रहा है बहुत ही ईजिली दिख रहा है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन से का होल स्क्वायर जो लिखा हो इससे पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दें तो हमारे पास इंडिकेटिंग फैक्टर बन जाएगा इंडिकेटिंग फैक्टर क्या बनेगा टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ये बन गया ओके सो लॉग ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन सो अल्टीमेटली फाइनल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसे ये लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी तो एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे आ गया ठीक है ये आप जानते ही होंगे सोल्यूशन विल बी वाई सोल्यूशन क्या होगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है सोलूशन मैं यहाँ पे अब डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूँ ठीक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सो so, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिखूंगा क्या होता है सोल्यूशन वाई इंटू इंटीगेटिंग फैक्टर इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जो ये लिखा है कहाँ गया है हाँ ये ये चीज़ सो so, ये देखिए एक पावर कैंसिल हो जाएगी ये स्क्वायर है ये स्क्वायर नहीं है तो क्या बचा हमारे पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन जो कि होता है टेन इनवर्स एक्स सही समझें आप लोग प्लस सी वाई इज इक्व टू क्या हो गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ये एक्स स्क्वायर प्लस वन कहाँ से आया देखिए ये वाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन था ना तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इधर आ गया इस साइड तो फाइनली हमारे पास ये बनेगा फ्रॉम वाई जीरो इजक्स जीरो वाई जीरो जीरो दिया हुआ है सी इज टू जीरो हो जाएगा हमारे पास ओके सो वाई वन इज इक्वस टू कितना होगा चलिए देखते हैं वाई वन क्यों फाइंड कर रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ देखिए वाई वन दिया हुआ है ठीक है वाई वन इज इक्वस टू पाई अपॉन थर्टी टू रूट ए होगा ठीक है देखिए एक्चुअली जो बात यहाँ पे ऐसी है कि y1 वन इज टू फाइव पॉइंट थर्टी टू ये रूट एक उधर ले इधर ले आया हमने ठीक है तो ये ऐसे हो जाएगा इजिक्वल्स टू वाई वन वाई वन यहाँ वन डालेंगे तो ये फोर्टी फाइव पॉइंट वन प्लस वन ये टू हो जाएगा नीचे ठीक है और देखिएगा अब क्योंकि सी इजिक्वल्स जीरो हो गया तो ये टर्म तो पूरा गायब हो जाएगा ठीक है इसको अगर हम जीरो मान लें तो अगले देखिए स्टेप में हमने सिर्फ इसका इस वाले का नहीं लिखा है क्योंकि ये टर्म जीरो हो गया ना सी इज जीरो है तो पाइप ऑन थर्टी टू रूट एज इक्वस टू एट बाई सई एट पाई बाई कैंसल एट फोर द थर्टी टू सही सोच रहे हैं आप लोग रूट एज इक्वस टू वन बाई फोर यानी इज इक्वस टू वन बाई सिक्सटीन स्क्वायर करने के बाद सो so, ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली दिस इज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी सो डोंट फर्गेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द प्ले लिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन थैंक यू फॉर वॉचिंग